चंबल डिवीज़न और मध्य प्रदेश राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर जो कि जाना जाता है अपने गज्जक के लिए, मुरैना में आपका स्वागत है। इस शॉप की साइज देखें, बिल्कुल छोटी सी, और कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। सुरेश जी, आपकी जो शॉप है लवली पोहा सेंटर, कितने साल से है यहाँ पे? यहाँ पर हो गई लगभग 20 साल की, 25 साल हो गई लगभग। और कितने बजे शुरू हो जाता है? सुबह 6:30 बजे। और कितने बजे तैयारी शुरू करते हैं? सुबह तैयारी 3 बजे से, 3 बजे से 2:30 बजे से, जैसे भी नींद खुल जाती है। ज़्यादा टाइम में क्या है, माल सुरक्षित बन जाता है और जल्दबाजी में बनाता है, माल रह जाता है, लूज रह जाता है। ये गया प्याज टमाटर, नींबू मसाला, जीरा, भुना जीरा, गरम मसाला, नींबू, भुजिया, मूंगफली, एक कौन सी नमकीन है? दीपू की। बड़ी भीड़ है इसके यहाँ तो है। और कितने स्पीड में बना रहे हो? कि पैक करने का जो जगह है वो पीछे है, तो मतलब जो जिसको खाना है वो आगे जाए, पैक करवाने वाला पीछे, उससे क्या है क्योस नहीं होता। मोए 20 रुपए की दे दो, मोए 10 रुपए की दे दो। ये पोहा है जो कि चिवड़ा से बनाया जाता है। हल्की सी मिठास है इसमें। जब इसको बॉईल करते हैं ना, और ये स्टीम पर रखा रहता है, मतलब डबल बॉयलर जैसे हम चॉकलेट मेल्ट करते हैं उस टाइप से, इसमें चीनी उसी टाइम मिलाई जाती है जब उसको भिगोते हैं, इसलिए इसमें वो मीठा बनाता है। और ये एमपी में आपको हर जगह मिलता है। और कितना खिला खिला बना हुआ है, जी बिल्कुल है? बहुत स्वादिष्ट है। मतलब इसमें आप देखें टेक्सचर्स में पोहा जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, उसके बाद क्रंचीनेस के लिए उन्होंने मूँगफली और सेब डाली है, साथ में खट्टापन के लिए नींबू है, और पोहा खुद में मीठा भी है, तो सभी स्वाद हैं इसमें। हाँ, पोहा बहुत ही हल्का नाश्ता माना जाता है, इसका खाने का मज़ा नाश्ते में ही आता है। मैंने इससे बढ़िया पोहा नहीं खाया, बहुत स्वादिष्ट लगा। नमकीन भी फ्रेश है, ये नहीं कि ये कहीं बाहर से पैकेट से बन गया है, सब चीज़ें यहीं बनती हैं। बोला दीपू की नमकीन है। दीपू कौन है? दीपू यहाँ एक शॉप है। अच्छा, वो प्रसिद्ध है नमकीन के लिए? जी प्रसिद्ध भी है, उस टाइप की दो शॉप है, दोनों प्रसिद्ध हैं। मैंने उनको बोला भुजिया डाल रहे, बोलता है भुजिया नहीं है, ये दीपू की नमकीन है। ये जो पिट्टी है ये बेसन की है, बेसन, कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्च। ये ऐसे तोड़ क्यों रहे हैं ऐसे? कड़क लगाई जाती है। कड़क लगा देते क्यों? कोई कड़क मांगता है। अच्छा, तो अंदर तक पूरी पक जाती है, कड़क हो जाती है। हमें भी कट वाली खिलाना है, एकदम खस्ता। हाँ,
तो ये जो जलेबी का बैटर है ये सिर्फ मैदे से तैयार हुआ है और ये सुबह में बैटर बनाते हैं इसका। बेसिकली जो रास्ट पिछले दिन की जलेबी का बैटर बचा होता है उसमें ही घोल बना लेते हैं मैदे का, ताकि थोड़ा खमीर उठ जाता है, और उसके बाद फिर इसको देसी घी में तल देते हैं। आपकी शॉप कितनी पुरानी है? इसको हो गई 45 साल है। आप लोग यहीं मुरैना के ही रहने वाले हैं? तो जो ये बिडई है ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ब्रज की तरफ जहाँ चलती है, आगरा मथुरा बेल्ट में। वैसे करीब 42 साल हो गई 42-43 साल। हाँ, करीब 42 साल दुकान में हुई हूँ और 43-44 साल हो गए आगरा के रहने वाले। अच्छा। हाँ, बहुत पुरानी है, वहाँ से निकल के यहाँ। सब्जी किस चीज़ की बनाते हैं आप? शिक्षा बिनाई की अपनी सब्जी आलू की बनाते हैं। आलू की? आलू इसमें मसाले मिलते हैं पूरे। अभी मसाले का पर्चा बैठता 14-15 हज़ार रुपये का, जब बेस्टिंग सब्जी बनती है। अपनी नाश्ता का भी नुकसान नहीं करेगा, एकदम बेस्टिंग रहेगा। आके 2 घंटे बाद आपको भूख लग जाएगी, दोबारा आ जाएंगे। ये आ गई हमारी कटी हुई बिडई हैं, बिडई कटी हुई बिडई बिडई। ये बिडई है, साथ में आलू की सब्जी और दही। ये कलर देखें, बिल्कुल ये कलर आप अगर मथुरा में भी खाएंगे और आगरा में भी खाएंगे बिडई, उसके साथ ये कलर देखने को मिलेगा आपको, डार्क ग्रीन कलर। बस ये तीखा ना हो, मेरे को देख के लग रहा है लाल मिर्च वगैरह इसमें है। भयंकर खस्ता। मतलब एक पे तो आदमी रुकेगा ही नहीं। नहीं, टेक्निक है कि ये डीप फ्राई किया गया, फिर भी आपको हाथ में तेल नहीं लगेगा। हाँ, और जो बिडई तैयार की जाती है उसका आटा जो पीसते हैं वो मोटा पीसा जाता है, साथ में बहुत जगहों पे उड़द की दाल की पिट्ठी डालते हैं, यहाँ पे बेसन की पिट्ठी डालते हैं। अब दुकान का नाम देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, श्री बाके बिहारी मिष्ठान भंडार, मतलब मथुरा वृंदावन, और नीचे लिखा हुआ है मदन लाल वर्मा आगरा वाले। तो ये जो बिडई डिश है ये है ही ब्रज की, और जैसा मैं आपको बता रहा था अमन, मुझे फिर दिल्ली वाले थोड़े नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मुझे जो बिडई खाने का मज़ा इसी बेल्ट पे ही आता है। दिल्ली की बिडई में वो मज़ा नहीं आता, खासकर सब्ज़ी में। और सब्ज़ी देखें, इसमें सौंफ, लाल मिर्च, धनिया, सभी चीज़ें डाली गई हैं, और उतनी स्पाइसी नहीं है जितना मैं घबरा रहा था कि काफ़ी तीखा होगा। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब इस सब्जी के साथ में सेब खाना है। सेब खाना है और जलेबी लेंगे। चलो, तो सेब और सब्जी, तो सब्जी जो बस्ती है उसमें लोग 40 ग्राम सेब डलवा लेते हैं, बढ़िया खस्ता मसालेदार बन जाता है। वाह, ये भी शुद्ध बेसन से बनाते हैं। ये सेब में मसाले नहीं डालते ज़्यादा ना? नहीं नहीं, हाँ, हींग, पानी, नमक और बेसन। बहुत बढ़िया। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत मशहूर है यूपी के साइड में, खासकर बनारस लखनऊ के तरफ आप जाएं आप तो वहाँ पे आपको नाश्ते में दही जलेबी लोग खाते हैं। लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, मतलब ईस्टर्न यूपी के बेल्ट में दही जलेबी चीज़ उस मीठे को बैलेंस करे या कट करे, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, कोई भी नमकीन चीज़, रबड़ी ना हो। हाँ, मीठी नहीं। मेरा पसंदीदा कॉम्बिनेशन है।
दही जलेबी का। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये मिठास को काट देता है। जिस तरह से लोग सेब बूंदी खाते हैं, उस तरह से यहाँ पे जलेबी और सेब चलती है, मतलब मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन। क्या क्या डालते हो? इलायची और अदरक। और ये दूध भैंस का? भैंस का ये स्पेशल लेके आए हैं। क्या है, सबसे बढ़िया चाय मुरैना में ही मिलती है। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? कितने साल हो गए आपके यहाँ? चाय की दुकानें बड़ी अच्छी बनी हुई है, तसल्ली से बैठ के आराम से बनाते हैं। हैं, अदरक और इलायची। और ये क्या है, ये प्लास्टिक डाल रखी है जो? अच्छा, पार्सल के लिए, पैकिंग के लिए। अरे मसाला बहुत खाते हैं लोग ना, है कम खाना चाहिए। ये फुल दूध में बनाई गई चाय, इसमें इलायची है और अदरक है, और कुल्हड़ में सर्व की गई है। हाँ बिल्कुल मस्त, एकदम कड़क चाय बनाई है। चले राजकुमार जी, बहुत बढ़िया चाय पिलाई आपने। अभी तो यही है, अभी तो घूम रहे हैं, अभी तो सिर्फ चाय ब्रेक के लिए आपके पास आए थे, टी ब्रेक के लिए। ठीक है, चलो। ये फीका है। हाँ, ये है खजाना, है नमकीन का खजाना। इधर है ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, सारा कम्बाइंड हो गया इसमें। तो चने की दाल, मूंगफली, मसूर की दाल, बूंदी, मूंग की दाल, आलू भुजिया, गड़बड़ मिक्सचर, दाल मोड। ये चने की दाल डबल फ्लेवर में है, ये चने ये टेस्टी, ये ब्लैक कॉफी, ये हमारे इधर चलता है। इसको बोलते हैं झार का लड्डू, आपने नाम सुना हो? जी जी। ये सेब है ना, ये नमक का है, ये बिना नमक का बनता है, उसका बनता है ये। ये इनके नाम से फार्म है, ये है बेदराम जी, इन्हीं के ये मेरे पिताजी है, इन्होंने ही चालू किया था ये। ये मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों भाई मिल के इसी काम को करते हैं। बहुत भैया, लीजिए आप भी लीजिए। टेस्ट करो, आप भी देखो, बहुत शानदार है। ये सर्दी का ही आइटम है, सर्दी के टाइम में बनता है, बाकी टाइम नहीं बनता। नमकीन और मीठा दोनों मिक्स है, हल्का सा नमक का टेस्ट लेना। ये गुड़ पा रहे हैं, गुड़दानी। हाँ, इसको गुड़दानी बोलते। ये है बेसन पापड़ी, ये सेव, कॉर्नफ्लेक्स, मसूर की दाल, और ये मूंगफली, मसाले वाली मूंगफली। और एक चीज़ और, जैसे आप कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं, जैसे आपको एक सादा सेव चाहिए, उसके संग ये जैसे काली मिर्च की मूंगफली है, ये डलवाना चाह रहे हैं तो ये डल जाएगी। चूड़ा मूंगफली सबसे फेमस है, सबसे फेमस कॉम्बिनेशन वो है जो भी बना सकते हैं। सेम सेव चूड़ा मूंगफली, ये जो बोल रहे हैं ना, ये सेव चूड़ा मूंगफली। ये इतना लाइट कैसे इसको किया हुआ, इतना हल्का कैसे? ये हल्का ही रहता है ये पोहे का। अच्छा, मोटा वाला पोहा मिलाइए आपको। लीजिए, क्या है,
टेस्ट अपना अपना सबका रहता है, सबको कोई चीज ये पसंद है, किसी को प्लेन भुजिया पसंद है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, मिक्स खाना पसंद करता है, मिक्स हमारा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसको बना के रखते हैं। ये मीठा नमकीन और तीखा तीनों ही स्वाद है इसमें। चलिए धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। जय कहाँ आ गए अपन जी? जी अपन आ गए राम बाबू पेड़े वाले, गिरिराज राम बाबू पेड़े वाले। आपकी कितनी पुरानी दुकान है ये? करीबन 110 वर्ष इस दुकान को हो चुकी है। ये मेरे फोर फादर इसको करते थे, मतलब पड़वावा के समय की ये दुकान है मेरी। आप लोग पीछे रहने वाले कहाँ गए? हम बेसिकली आगरा से निकले हुए हैं और पड़वावा के भी पिताजी वो यहाँ पर आए थे, तभी से हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं। और फिर मेरे दादाजी के पिताजी ने ये शॉप खोला। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपके पास इधर खुरमी है, गुजिया और उसके बाद घी की लॉज, हलवा घी का हलवा जी, उसके बाद बालूशाही, फिर मलाई पूड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे काला जामुन, गुलाब जामुन, मावा पेड़ा, मावा गुजिया, और भी मिठाइयाँ अलग अलग तरह की हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें यही बनती है, सारी चीज़ें। तो हम लोग पेड़ा बनते हुए देख सकते हैं जी, बिल्कुल। इसमें अभी मसाला कुछ मिलाया नहीं, अभी करीब करीब तैयार है, इसमें थोड़ा कलर डालेंगे, थोड़ी देर में उतार देंगे। और चीनी डली हुई है इसमें? चीनी बाद में डालेंगे, ठंडा होने के बाद में, ये फूड कलर है। ये थोड़ी देर में चल के इसको निकाल देंगे परात में, उसके बाद ठंडा होने के बाद में इसमें तगार मिलाएंगे, मसाले मिलाएंगे, फिर देंगे कर रहे हैं। तगार बोले तो भूरा भूरा। तो अगर स्टेप बाई स्टेप पेड़े बनने की बात की जाए तो पहले दूध से मावा तैयार होता है, दूध से मावा तैयार होगा, उस मावे को अच्छे से बुनाई की जाती है, अच्छी से बुनाई होने के बाद इसमें थोड़ा फूड कलर डालते हैं, उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा उसके एक घंटे बाद सवाल का ठंडा हो जाए तो उसमें भूरा मिलाते हैं, उसमें भूरा मिलाते हैं और फिर मसाले मिलाते हैं, मसाले मिलाते हैं। और मसाले में क्या क्या मिलाते हैं? मसाले में थोड़ी काली मिर्ची, जायफल, जावित्री, डोडा दाने और इलायची और केवड़ा, ये सारी चीज़ों का मिश्रण इसमें रहता है। और डोडा दाने बोले मतलब मोटी इलायची? मोटी इलायची और छोटी इलायची दोनों। उसके बाद बनने के बाद फिर इसका यहाँ पे इसमें क्या पिस्ता लगा रहे हैं ये? हाँ, इसमें मेवा ऊपर जो है पेस्ट कर रहे हैं, देखने में खूबसूरत लगे। आइए जायका लिया जाए घी के हलवे का। क्रीमी टेक्सचर है और इलायची का बहुत ही उम्दा जायका, जिसको लौकी ना भी पसंद हो वो भी खा जाए। हाँ जी, आपने अच्छा किया कि हर मीठे के बाद। हाँ जी, घी में बने हुए। अच्छा, ये अच्छा, आप बीच बीच में नमकीन खा के फिर दूसरी मिठाई को टेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे हर चीज़ का दो वर्जन मिलता है, एक तेल वाला जैसे रस्टिक बनता है और एक घी वाला, समोसे भी आपको घी के मिलेंगे, नमकीन में घी का मिलेगा। ये पेड़ा है, इसके ऊपर में खरबूजे का बीज और पिस्ता है, और ये खुरमी गुजिया है। आइए सर पहले पेड़ा टेस्ट करते हैं, उसके बाद ज़्यादा मीठा जो उस पर जाएंगे। बहुत ही उम्दा। जब भी हम लोग कुछ खाते हैं और बोलते हैं ये अलग है तो लोग पूछते हैं क्या अलग है, तो ये खा के मैं कह सकता हूँ कि जो
बाकी जगहों पे आप लोगों ने पेड़ा खाया है उससे बहुत ही अलग है। इसमें अलग क्या है, तो पहला तो ये है कि ये लाल पेड़ा है। नॉर्मली जो पेड़ा मिलता है वो खोए वाला पेड़ा ब्राउन कलर का मिलता है, वो होता है। सेकेंडली इसमें बहुत सारे मसाले डाले गए। थर्ड, इसमें ड्राई फ्रूट्स का बहुत सारा इस्तेमाल किया गया, जैसे खरबूजे का बीज है, पिस्ता है। साथ में इसमें केवड़े की बहुत अच्छी खुशबू भी है और उसका जायका भी है, और बिल्कुल सॉफ्ट है। एक कैसे जो क्रीमी टेक्सचर होता है, जो बटरी टेक्सचर होता है वो है, और बहुत ही उम्दा है सर, बहुत मज़ा आया खा के। मतलब इसको नॉर्मल पेड़ा नहीं, इसको आप मसालेदार पेड़ा भी कह सकते हैं, इतने मसालों से युक्त है। और ये है गुजिया, जो गुजिया हम लोग होली के समय, होली के त्यौहार पे बनाते हैं। उसमें ज़्यादातर या तो खोया स्टफ होता है या फिर बहुत जगह पे सूजी भी डालते हैं, सूखा होता है, चाशी में डूबा हुआ होता है। ये सिर्फ मैदे का बना हुआ है और शेप गुजिया जैसा है, और मतलब एक तरह से आप कहें तो बालूशाही की तरह ही है, जो अलग अलग इसमें परत दिख रही है इस गुजिया में, वो मोइंग के कारण है। धीमी आंच पे जब सिकता है ना घी में, ये थोड़ा तेज मीठा है। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि साथ में थोड़ी सेव और मूंगफली दे दी, तो बीच बीच में हम अपना पैलेट चेंज कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने इतनी सारी मिठाइयाँ हमें टेस्ट कराई और सभी की सभी बहुत ही उम्दा थी। आप हमारे मेहमान हैं, बनते ही हमारे मेरा कर्तव्य। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मुरैना में जितने भी दुकानदार हैं सब बहुत ही खुश मिजाज हैं, सबको खिलाने का बहुत शौक है। ये अच्छी बात है। चलिए धन्यवाद। ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, मथानी छाछ। तो मथानी ब्रांड है? हाँ सर, ब्रांड है। अच्छा, लेकिन अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये मुरैना में? सर बहुत टाइम लगता है पॉपुलर। हाँ जी, मुरैना में कितने साल हो गए आपको ये? अभी छाछ को बनाए हुए 5 साल हुए। तो पहले घी का काम है। अच्छा, घी का। आपकी दुकान तो काफ़ी पुरानी लग रही है। हाँ पुरानी है, तो एक्चुअल में क्या है, घी बनाने के लिए छाछ बनानी पड़ रही है, घी बनाने के बाद छाछ बचती है जी, जी। उसको बेच देते हैं तो उससे घी का कॉस्ट कम, इसलिए छाछ बेच रहे हैं, मेन काम घी गई है। और लोग छाछ ले जाते हैं रायता के लिए, कड़ी के लिए? सिंपल जो छाछ रहती है ना सर, हाँ, ये मल्टीपर्पज रहती है। हाँ, तो नमक जीरा डाल के पीना है आप, पी सकते हैं। कड़ी बनाना है, कड़ी बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, ऑल चीज़ें बन जाती। ये क्या होता है, देसी मेहरी होती है सर? ये आटे को मठे में डाल के फिर उसको गर्म करके बनाई जाती है। ये गांव में बहुत बनती है, यहाँ गांव से जुड़ा हुआ इलाका। बुंदेली, बुंदेली खाना है? हैं, मैंने कभी नहीं खाया। ये तो सर गांव में मिलेगी, जो बनाता हूँ वही बनाएगा। अच्छा, मट्ठे के आलू भी नहीं खाए? मट्ठे के आलू तो बन जाते हैं घर पे सर। अच्छा, ओनली मंगल को दे दो। बहुत रिफ्रेशिंग है। ठंडा भुना हुआ जीरा, काला नमक। हाँ सर, और सोला नमक। हाँ, इसमें टाटा सॉल्ट यूज़ नहीं करते हैं, सोला नमक यूज़ करते हैं, और फिल्टर्ड पानी मिलेगा। अच्छा, सादा पानी डेली फ्रेश बनाते हैं। और कितने की बोतल मिलती है ये? अभी 15 रुपये भाई साहब, आधा किलो भी दे देना। 260 रुपये 260। कैसे चेक करते हो कि सही घी है? नहीं, खुशबू से है। नहीं, हम कोई सही है, बुराई नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप पहले देखो तब खरीदो। ये बताएंगे, चेक कर रहे हैं अभी, देखो पता नहीं। सफेद बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सफेद हो जाएगा। जैसे अपन आपने वो रे पान डाल देते, रे पान ले, रे पान डाल देते, रे पान ले छाछ है ना वो आपने दिए ना वो हमें। क्या है? सही है सर, सही है। क्या पहचान है बताओ, हमें भी सिखा दो। पहचान सर इसकी है, इसको रगड़ोगे ना तो खुशबू नहीं आएगी, खुशबू खत्म हो जाएगी। हाँ, खुशबू खत्म हो जाएगी, रे पांडी खुशबू आएगी। मतलब खुशबू से पकड़ते हैं, खुशबू से पकड़ते हैं। सही है, ये खुशबू आ रही है। चलिए सर, धन्यवाद।
सर अब हम यहाँ आए हैं, हमने नॉर्मल समोसे तो हर जगह खाए होंगे लेकिन यहाँ स्पेशल देसी घी के समोसे मिलते हैं और इनकी रबड़ी भी बहुत फेमस है। तो हम ये टेस्ट करते हैं और इनकी चटनी आपको बहुत अलग लगेगी। अगर जैसे हमको मीठी चटनी की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ मीठी चटनी नहीं मिलती है अमचूर की या इमली की, उसकी जगह चाशनी डाली जाती है। जी जो आलू अंदर मसाला बनाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं? इसमें गरम मसाला, खटाई और अपने धनिया पिसा हुआ, चौबेजी मसाला। हाँ ये क्या होता है? दाल मसाला होता नहीं है? दाल का मसाला? हाँ। यहाँ के कोई लोकल दुकान होगी चौबेजी की? नहीं नहीं, वो तो रेडीमेड आता है डिब्बा। हाँ मतलब वही चौबेजी का रेडीमेड होता है, जैसे MDH है, एवरेस्ट है, वैसे हाँ ऐसे ही आता है, वो भी डालते हैं इसमें। और इसमें इतना खस्तापन कैसे है? मोइन डालते हैं? मोइन डालते हैं इसलिए इतना खस्तापन है इसमें। हाँ भाई, और कितने साल पुरानी दुकान है आपकी ये दुकान? को तो हमारे को वैसे तो लिए हुए 20 साल हो गए। वैसे हमारा हनुमान चौराहे का ठेला लगता था। उसको कितना समय होता था ठेले को? ठेले को कम से कम 30 साल, 50 साल करीबन। की रबड़ी बहुत अच्छी है। रबड़ी ट्राई करेंगे जी। लेकिन मेरे को थोड़ा सा एक चीज़ ट्राई करना है, आप जो समोसे में आप चाशनी डाल के देते हैं, थोड़ा सा चाशनी देंगे? बिल्कुल ना, एक चम्मच। आलू भी हल्के वाले नहीं लगते भैया? कौन से वाले आलू होते हैं? लखनऊ वाले। लखनऊ से आते हैं? नहीं, लखनऊ आलू होता नहीं, लखनऊ वो मट्टी वाले, ब्लैक मट्टी वाले होते हैं। अच्छा वो वाले, ये सादा आलू नहीं लगता अपने अम्मी का। बड़ा ही अनोखा कॉम्बिनेशन है, मैं तो रेकमेंड करूँगा कि हरी चटनी के साथ ही खाएं, खासकर क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ हरी चटनी के साथ ही खाते हैं जी, क्योंकि आपके जो आलू का मसाला है वो स्पाइसी तीखा नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे भी घी से मसाला कमज़ोर हो जाता है। हाँ तो जो लखनऊ वाला आलू बता रहे हैं वो कौन सा आलू होता है? वो मट्टी वाला होता है, वो ब्लैक वाला होता है, बिल्कुल साफ आलू आता है। एक आलू में ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है तो घर पे हम फिर धो के साफ करते हैं ना, उसको लखनऊ आलू बोलते हैं। अच्छा, नए आलू की तरह जो आता है ना। हाँ हाँ, उसकी तरह। तो उसमें मीठापन नहीं होता? मीठापन नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वो उबलने के बाद ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, मतलब ऐसे गीला गीला नहीं मैश करके। मेरी फेवरेट मिठाई है ये, रबड़ी और खुरचन। हाँ वो बिल्कुल सिर्फ लच्छे हैं उसमें। हाँ, और मेरे को लच्छे वाली पसंद, दाने वाली पसंद भी नहीं आती, क्योंकि दानेदार। हाँ वो रबड़ी मज़ा नहीं आता खाने में। मावा मिश्री बोलते हैं। अच्छा, लच्छेदार ठंडी रबड़ी। बिल्कुल परफेक्ट मीठा, एकदम हल्का, जो मिठास है मेनली दूध की है। ये अमन, इसको अमन के साथ ही खाना चाहिए। इसको बिल्कुल ईट इन पीस, जो आपका इंस्टा हैंडल है जी, उसके हिसाब से ही खाना चाहिए। आपका एक तो नाम भी बहुत अच्छा है, अमन शांति, और आपका इंस्टा हैंडल ही बहुत अच्छा है, तो आप शांति से खाते भी हैं। धीरे धीरे खाएं, स्वाद ले, स्वाद ले। रबड़ी बहुत शानदार है भाई। लेकिन एक बात कहूँ, अभी तक अभी हमारा बहुत सारी जगह रहती है खाने की यहाँ पे, लेकिन अभी तक जितनी भी जगहों पे आप ले गए हमें, सब जगह पे टॉप नॉच क्वालिटी। हाँ क्वालिटी के मामले में और रीज़नेबल फूड, बहुत ही रीज़नेबल है। जैसे देसी घी के समोसे 15 रुपये का एक पीस, और मिठाइयाँ भी 400 रुपये किलो से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ जबकि आजकल शहरों में तो 500-600। समोसे का साइज़ देखिए आप, नॉर्मली अगर घी का समोसा होगा एक तो कम से कम इसके डबल प्राइस का होगा, साइज़ छोटा सा होगा, लेकिन ये प्रॉपर जो एक साइज़ होना चाहिए समोसे का वो है। और घी की क्वालिटी बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, फ्रेश, खुशबू से ही पता चल रहा है कि कुछ घी में कुछ बन रहा है। हाँ सर, रबड़ी तो मज़ा आ गया खा के। कृपा दे नाम गा के, तुम्हारे नाम गा के दिल्ली में गुजा था है, रबड़ी गुजा थी। वो लोग आवते भी जब नगरी पर आवते, नगरी पर भी ले जाते हैं, पैक कराए के नहीं ट्रेक ट्रेक थोड़ी सी और दे देंगे।
और रबड़ी ठंडी ही अच्छी लगती है। हाँ ये जन्नत है, इसमें कहाँ कहाँ जन्नत कहाँ है, जन्नत यहाँ है। इसमें वो भी डाला है गुलाब का एसेंस कुछ नहीं, केवड़ा केवड़ा। हाँ मतलब कोई फ्लेवर तो आ रहा है।